हमने कुछ वर्षों से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ईसीएस को ही हमने मदद में लिया था, स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम किया। आज वो स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम की ताकत ये है मित्रों, आप यहां काम करते होंगे ना, आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। कभी कभी कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में कोई एक रिसर्च करता है और एक अच्छी दवाई खोजता है, उसको तो लगता है चलिए मैंने एक नई दवाई खोजी, लेकिन जब करोड़ों लोगों की वो जिंदगी बचाता है और उसका जब उसको पता चलता है, उसको आना अच्छा मैंने इतना बड़ा काम करके गया। आपको भी अंदाज नहीं होगा मित्रों, जब आप कंप्यूटर पे खेलते हैं, काम कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं होता है आपको दुनिया को क्या दे रहे हैं। इतनी बड़ी सेवा कभी कभी आपसे होती है। मेरा जो ये स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसने गरीब से गरीब आदमी को ऐसे एम्पावर किया है, कोई गरीब आदमी फटे कपड़े हो, गंदे कपड़े हो, खेत से आया हो और सरकारी दफ्तर में जाएगा तो आप जानते हो क्या होता होगा, इधर जाओ उधर जाओ, इधर नहीं ऊपर जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ, यही होता है ना, हम सबको मालूम है यही होता है। मित्रों आज ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के कारण गांव का गरीब आदमी भी आज गुजरात में मामलतदार के पास जाके खड़ा हो जाता है, कलेक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो तुरंत कहता है साहब ठीक है मत सुनो मैं ऑनलाइन जाता हूं। वैसा ही वो बोलता है, मैं ऑनलाइन जाता हूं, वो कलेक्टर खड़ा हो जाता है, अरे आइए बैठिए बैठिए। ये काम आपने किया है दोस्तों, इस फील्ड के लोगों ने किया है, ये गरीब को कितना एम्पावर किया है आपने। वो एक कलेक्टर के साथ आंख में आंख मिला के कहता है ठीक है मत सुनो मैं ऑनलाइन जाता हूं, वो कहता है अरे नहीं प्लीज आ जाओ। ये ताकत टेक्नोलॉजी से समस्या का समाधान। सबका साथ सबका सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया है।